चीट है। ये आप देखिए ऑटोमेटिक, इसमें ये हमारा ऑटोमेटिक का टाइम पूरा हो गया, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये आप देखिए काफी इजीली जो इसका वगैरह पैक हो गया। हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए कितना इजी प्रोसेस था, कितना इजीली इससे जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने डाई और ब्रश और ब्लिस्टर सब कुछ अंदर डाल दिया, मैं आपको पैक करके दिखा रही हूँ। ये हैंड प्रेस होता है, इसको हम प्रेस कर देंगे और जो हमारा प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। डाई को हम बाहर निकालेंगे। ये हमारा टूथब्रश तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। दोस्तों आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के, तो ऐसे ही आज हम एक मैन्युफैक्चरर्स के पास आएँ। आप फैक्ट्री देख पा रहे होंगे और ये कई टाइप की मशीन बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करने जा रहे हैं इसका पैकिंग मशीन के बारे में। यहाँ कम प्राइस से लेके जो मैक्सिमम प्राइस है कई तरह की इसका मशीन मिलेंगी, तो आप यहाँ सीधे आके इसका मशीन खरीद सकते हैं। कंपनी बेसिकली दिल्ली में है तो सभी के लिए कन्वेंस रहेगा यहाँ आना, और कंपनी के बारे में डिटेल जो कंपनी की मैनेजर हैं वो बताएंगी। तो हम आपकी मुलाकात अब कंपनी की जो मैनेजर हैं उनसे कराने जा रहे हैं, वो इस कंपनी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये हैं कंपनी की मैनेजर, इनसे कंपनी के बारे में पूछते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मैम जी मेरा नाम रितिका शर्मा। मैम आपकी कंपनी का नाम? SA इंडियन मशीनरी। ओके, ये बेसिकली मैम कहाँ पे हैं? हमारी फैक्ट्री और ऑफिस उत्तम नगर में है, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है, अगर आप आना चाहें तो मेट्रो स्टेशन के द्वारा आ सकते हैं। स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो मैम आपकी जो कंपनी है किस किस टाइप की मशीनरी में डील करती है? हमारी मशीन स्क्रबर पैकिंग मशीन है हमारे पास, जिसको अब हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, और वैसे अगर आपकी किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है मशीन की तो वो भी हमारे पास मिल जाएगी। ओके, और प्राइस रेंज की बात करें जो इसका मशीन है उसके प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट है? 25,000 से लेके 1,50,000 तक में है। ओके, और बात करते हैं ये स्क्रबर मैम कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है? स्क्रबर ये हमारे घर के किचन में, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, हर जगह यूज़ होते हैं। ओके, और इसमें मैम कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा? इसमें आपको स्क्रबर चाहिए और इसे ब्लिस्टर बोलते हैं पैकिंग के लिए, और शीट। ओके, इन तीनों चीज़ों से हमारी शीट बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें जो भी ये रॉ मटेरियल लगेगा ये आप प्रोवाइड करा रही हैं? हाँ जी, ये हमें प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके, जैसे मैम ने बताया मशीन्स के प्राइस 25,000 से स्टार्ट हैं और 1,50,000 तक जाते हैं। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इस बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप बड़ी मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप बिज़नेस में बिगनर हैं तो आप छोटी मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बार ये मशीन चला के दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये मशीन कैसे फंक्शन करती है। पहले हम जो मशीन है उसके बारे में बेसिक फंक्शन समझेंगे और फिर प्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। मैम बताइए। ये हमारा ऑन ऑफ बटन है जिसे हम ऑन कर रहे हैं, ये हमारा ऑन हो गया मशीन। ये सेकंड नंबर हमारा ऑटो पे है। okay. ये हमारा हीटर है कि हम हीटिंग कर सकते हैं। आपकी हीटिंग प्रॉपर हो जाती है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं हीटिंग होने के बाद। अगर आप इसे मैनुअल पे यूज़ कर रहे हैं तो एक पे हमारा मैनुअल चलता है जिसमें मैनुअल पे ये दोनों बटन यूज़ होंगे, और ऑटोमेटिक पे यूज़ नहीं होगा, ऑटोमेटिक पे सीधा ये यूज़ होगा। तो मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। तो अभी आप जो चला रही हैं ये ऑटोमेटिक मोड है या मैनुअल मोड है? ऑटो। ओके ठीक है, तो पहले आपको ये डाई मिलेगी, ये आप देख लीजिए जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा। इस मशीन में आप केवल स्क्रब के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस टाइप के भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, केवल डाई चेंज हो जाती है, राइट ना? ठीक है, आप ये देखिए जिस टाइप का भी प्रोडक्ट होगा केवल डाई चेंज करनी है। आप यहाँ डाई चेंज हो गई और प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। आप जिस टाइप की डाई लगाएंगे उस टाइप का आपका प्रोडक्शन इससे आप मशीन से आप ले सकते हैं।
तो इसमें हम दिखा रहे हैं, हमने बस एक डाई रखी हुई है, ये आप देखिए, ये हमारे स्क्रबर की डाई है और ये हमारा ब्लिस्टर है और ये स्क्रबर जिसे हमने सेट करके रखा हुआ है। आपको मैं चला के दिखा देती हूँ। ये हमारी शीट है, ये आप देखिए ऑटोमेटिक, इसमें ये हमारा ऑटोमेटिक का टाइम पूरा हो गया, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये आप देखिए काफ़ी इजीली जो इसका वगैरह पैक हो गया। इसी तरह सभी में प्रोसेस होगा, आप इससे किसी भी तरह का प्रोडक्ट है वो पैक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरी मशीन आपको दिखाने जा रहे हैं और दूसरी मशीन से जो प्रोडक्ट है वो हमने चेंज कर दिया है। इसमें हम बेसिकली आपको गर्म मसाले या ड्राई फ्रूट पैक करके दिखा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये सब कैसे पैक होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया केवल डाई हम चेंज कर देंगे और ब्लिस्टर और ब्लिस्टर का जो साइज होगा वो हम चेंज कर देंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम ये कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये मशीन इसलिए अच्छी है, आपके एरिया में जो भी डिमांड है, स्क्रब की डिमांड है आप स्क्रब बनाइए, आपको ड्राई फ्रूट सेल करने हैं ड्राई फ्रूट सेल कर सकते हैं, गर्म मसाला सेल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो आगे की प्रोसेस अब मैम बताएंगी। मैम पहले थोड़ा मशीन के बारे में बेसिक बता दीजिए। सेम प्रोसेसर वैसा ही है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा ऑन ऑफ हो जाता है, ये हमारा ऑन हो गया। सेकंड नंबर पे हमारा ऑटो चलेगा, अगर हम फर्स्ट पे करते तो हमारा मैनुअल चलेगा। ये हमारे हीटर होते हैं और ये दोनों हमारे मैनुअल में काम आते हैं और ये हमारा ऑटो में काम आता है। जो मैं आपको चला के दिखा रही हूँ वो ऑटो में। ये हमारा ब्लिस्टर है, डाई है ये। सब कुछ मसाले और ड्राई फ्रूट्स डाल लिया है, आपको मैं पैक करके दिखा देती हूँ। हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए कितना इजी प्रोसेस था, कितना इजीली इससे जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आपके एरिया में जितनी तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है वो आप इससे अच्छी तरह पैक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैडम ने पहले बताया था, ये मशीन है 25,000 रुपये की जिससे प्रोडक्शन होता है इसका पैकिंग में या किसी भी तरह के अलग प्रोडक्ट में। आप ये देखिए ये सेम तरीके से प्रोडक्शन होगा जैसे अभी हमने करके दिखाया और ये इस तरह से पैक होके जाएंगी, मतलब सेफली आपके पास ये पहुँच जाएंगी। वुडन की आपकी पैकिंग होगी, अगर आप खुद नहीं आना चाहते बाई कुरियर मंगाना चाहते हैं तो इस टाइप से ये पैक होके आपके पास पहुँच जाएंगी। दोस्तों अब हम आपको ये मैनुअल मशीन ये भी चला के दिखाते हैं और जो प्रोडक्ट होगा वो भी चेंज कर देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इन सभी मशीन से कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैम चला के दिखाइए। मैं आपको टूथपेस्ट पैक करके दिखाती हूँ। ओके।
जी ये देखिए डाई हमने फिर चेंज कर दिया है। मैंने डाई और मैंने डाई और ब्रश ब्लिस्टर सब कुछ अंदर डाल दिया। मैं आपको पैक करके दिखा रही हूँ। ये हैंड प्रेस होता है, इसको हम प्रेस कर देंगे और जो हमारा प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। डाई को हम बाहर निकालेंगे। ये हमारा टूथब्रश तैयार हो गया। ऐसे ही आप बहुत कुछ पैक कर सकते हैं, टॉयज पैक कर सकते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स पैक कर सकते हैं, पैकिंग का जो भी सामान है आप इसमें पैक कर सकते हैं। अब हम आपको एक और मशीन दिखा रहे हैं जो ये कंपनी बनाती है। मैम ये कौन सी मशीन है इसका नाम बताइए ज़रा। ये हमारी सीलिंग मशीन होती है, इसमें आप ग्रीन पैड पैक कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, और सीलिंग के लिए बहुत पाउच सील कर सकते हैं, दूध सीलिंग कर सकते हैं, सीलिंग का जो भी काम होता है इसमें आप सील कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो किराना स्टोर होते हैं अक्सर उस पर जो खुली हुई दाल वो पैक करते हैं या चीनी पैक करनी है, वहाँ इस टाइप की जो मशीन है उसका यूज होता है। मैम और इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस 30,000 का है। ओके ठीक है, तो ये हुई डिटेल हमने वीडियो में बताने की कोशिश की इसके मशीन के बारे में। जैसा मैंने पहले बताया आपको, स्क्रीन पे आप इनके फ़ोन नंबर आ रहे हैं, कोई भी क्वेरी आ रही है आप इन्हें कॉल कर सकते हैं या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।